thank you नमस्कार आदाब शतश्रिया गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं अपने सभी मित्रों का लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं पेन पेपर हाथ में है इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है स्वागत है सभी मित्रों का तारीख तीन फरवरी 2021 हजार इक्कीस दैनिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिर चाहे आप यूपीएससी एसएससी बैंकिंग रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यदि वहां पर करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के पूछा जाता है तो आपका स्वागत है जल्दी से, से सेशन को साझा कर दीजिए पेन पेपर हाथ में रखिए इंडिया का और वर्ल्ड का वेब साथ में रखिए जानते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां क्या हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खी बनी है मेरे प्यारे साथियों कि हाल ही में श्रीलंका ने भारत को कोलंबो पोर्ट के ऊपर स्थान देने से मना कर दिया है अपने 2019 के एग्रीमेंट को तोड़ दिया है क्या है पूरा जियो समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप सभी साथियों को समझाने का हम ये प्रयास करेंगे इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों स्टार डस्ट अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया की पहली ऐसी एजेंसी बन गई है जिसने अपना रॉकेट बायोफ्यूल से उड़ा दिया है चर्चा करेंगे बायोफ्यूल क्या होता है और किस प्रकार से यह कार्य करता है आगे बढ़ते हुए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया के आने वाले समय 2025 में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक बांध ऐसे होंगे जिनके ऊपर एजिंग का खतरा मंडरा रहा होगा यानी कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो सकेगा चर्चा करेंगे डैम टूटने के बारे में बात करिए जी नंबर नेक्स्ट है भारतीय समुद्र निकाय उसके द्वारा हाल ही में कहा गया है कि मैरीटाइम इंडिया विजन दो को इंप्लीमेंट करते हुए घोषणा को अपनाया जाए तो यह नेपच्यून घोषणा क्या है आज के सेशन में आपके साथ चर्चा की जाएगी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर आत्मनिर्भर को वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से नवाजा गया है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से चुना गया है इसके साथ साथ ही हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 रैंकिंग के अंदर भारतीय ब्रांड रिलायंस जियो वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर रहा है इसके साथ साथ ही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट का हाल ही में विमोचन किया गया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने सत्यासी साल बाद कहा है कि वो घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी को इस साल आयोजित नहीं कर रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जापान पांच दिन की बजाय चार दिन की कार्यप्रणाली अपनाने की योजना बना रहा है इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन जल्दी से करेंगे एक बार सेशन को अपने साथियों के साथ में लीजिए ये हो गया सेशन शेयर आइए साथियों पढ़ना प्रारंभ करते हैं जानते हैं आज की मोटिवेशनल कोटेशन क्या है आप कैसा फील करते हैं यह मैटर नहीं करता होइए और दिखा दीजिए कि आपने कभी भी गिवअप नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण है यही वो पंक्ति है जिसको कि आप स्वामी विवेकानंद जी की पंक्ति भी कह सकते हैं जो कि हमेशा युवाओं को यह प्रेरणा देती रही कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए

आपके डेली रूटीन पर निर्भर करती है आपके द्वारा टाइम टेबल जो बिताया जा रहा है उस पर निर्भर करती है आपने किस प्रकार से समय का प्रबंधन किया अगर वो सही से चल रहा है तो आपका यथार्थ जो वास्तविकता है वो आपके भविष्य से स्वतः ही मैच खा जाएगा दिक्कत ये होती है कि हम लोग कर कुछ नहीं रहे होते हैं सोच बहुत दूर दूर की रखते हैं बस यहीं से हताशा आने लगती है दुनिया में केवल नैराश्य की ही भाव दिखाई देते हैं आपने बहुत बार नोटिस किया होगा एक छोटा सा कार्य करने वाला हालांकि कार्य कोई भी छोटा नहीं होता लेकिन हम लोग जिस आधार पर निर्धारित करते हैं कि आमदनी जिसमें कम होती होगी शायद वो कार्य छोटा होगा होता होगा आप उसी उदाहरण को ले लीजिए बहुत बार आपने देखा होगा एक छोटी सी दुकान लगाने वाला या कोई एक छोटे से शॉप को मतलब जो मतलब ऑपरेट करने वाला वो बहुत ज्यादा खुश होता है इन कंपेरिजन टू उन लोगों के जो कि काफी ज्यादा समृद्ध घरों से बिलोंग करते हैं रीजन क्या है उसने अपने आप से जो वादे किए थे उन्हें वो सक्सेसफुली पूरा कर रहा है जो उसने अपने आप के बारे में सोचा था वो उन्हें कंप्लीट कर रहा है तो उसके भाव खुशी वाले हैं निराशा तब आती है जब हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं करते कुछ नहीं है निराशा आ जाती है तो याद रखिएगा गिव अप नहीं करना है लेकिन याद रखिए रणनीति जैसी हो आपकी उसमें आपसे जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसके लिए वर्क भी करिए तभी जाकर के आप खुश रह पाएंगे चलिए साथियों इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं मेरे साथ में मेरे साथी उपस्थित हैं सोमनाथ नीरज विजय रविंद्र एस प्रसन्ना कुलदीप सोमनाथ अजिंत विनय सभी साथियों को गुड मॉर्निंग जल्दी से एक बार सेशन शेयर कर दो और पढ़ना शुरू करो बहुत ही बढ़िया और एक जियो न्यूज में आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं आइए साथियों चर्चा करते हैं सबसे पहली न्यूज जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है हाल ही में कोलंबो टर्मिनल परियोजना खबरों में थी कोलंबो टर्मिनल परियोजना खबरों में थी क्यों खबरों में थी अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि कोलंबो कहां है क्या कुछ है सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनिएगा बहुत ही जबरदस्त घटना हुई है जबरदस्त घटना यूं हुई है जी कि भारत और जापान के साथ में एक तरह से धोखा हो गया है कहां धोखा हो गया है आपके जापान इसमें श्रीलंका में हो गया है तो साहब बात क्या है आइए एक एक करके सारे क्रम क्रम हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं साथियों ये जो आप फोटो देख रहे हो ना ये फोटो वर्ष 2019 की है मई 28 2019 की फोटो है उस समय यहां के यानी श्रीलंका के सागले रतनायक नामक एक शिपिंग मिनिस्टर हुआ करते थे वो भारत के हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह सिंधु के साथ में एक साइन साइन कर रहे हैं जिसे आप मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन कहते हैं इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जिसे आप ई कहेंगे इसमें साझेदारी करने का प्रस्ताव मंजूर करते हैं ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों ये क्यों महत्वपूर्ण है यहां पर बहुत बड़ी बात है यहां पर एक एम्बेसडर और भी उपस्थित थे जिनका नाम है अकीरा ये जो काम कर रहे थे इन्होंने जापान का प्रतिनिधित्व किया था ये बहुत ही ऐतिहासिक फोटो है क्या ऐतिहासिक है मैं आपको बताता हूं तीन लोग यहां दिखाई दे रहे हैं एक है जापान के राजदूत एक है इंडिया के राजदूत इंडिया के राजदूत ये बहुत ही ऐतिहासिक फोटो है इसे ध्यान से देखिएगा और ये है श्रीलंका के प्रतिनिधि इन तीनों के बीच में एक डील साइन हुई तिथि भी याद कर लीजिएगा मई 28 मई 28 2019 को क्या तिथि क्या घटना साझा हुई थी मैं आपको बताता हूं इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम कोलंबो पोर्ट के अंदर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे क्या विकसित हुआ कि हम कोलंबो पोर्ट के अंदर ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल विकसित करेंगे बहुत बढ़िया बात है अच्छा ईस्टर्न कंटेनर डेवलपमेंट में ईसीटी ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल होता क्या है पहले मैं यह बता देता हूं साथियों जब भी कोई पानी का जहाज कहीं जाकर रुकता है अब पहले दो बातें समझने का प्रयास करिए साथियों होता यह है कि जैसे आप लोग एयरपोर्ट देखते हैं एयरपोर्ट पर हवाई जहाज आके रुकता है बस स्टैंड पर बस आके रुकती है ऐसे ही पोर्ट्स पर कौन से पोर्ट सी पोर्ट टर्मिनल पोर्ट्स इन पर पानी के जहाज आके रुकते हैं लेकिन यहां पर एक सच्चाई और भी होती है पानी के जो जहाज आपको ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं ना पानी के ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं वो वास्तविकता में पानी के ऊपर इतने जो दिख रहे हैं इतने होते तो हैं लेकिन लगभग तीन चौथाई हिस्सा या लगभग आधा हिस्सा इनका पानी के अंदर डूबा हुआ होता है जो सामान्यतया आपको दिखाई नहीं देता ठीक है ना क्योंकि ये पानी के भीतर वाला जो हिस्सा है इसमें समुद्र का पानी भर लिया जाता है जिसकी वजह से वो पानी का जहाज पानी में बड़ा ही स्टेबल होकर चल पाता है अदरवाइज सामान आप ज्यादा रखोगे पानी में डूब के नहीं चलोगे तो पलटी खा सकते हो इसलिए पानी का जहाज पानी में डूब के चलता है होता क्या है अब आप लोगों को क्या लगता होगा कि भाई जैसे आपके गोवा में पोर्ट है मुंबई में पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर पोर्ट हटाइए सी बीच सोचिए आप लोगों की नजर में जो लोग कभी समुद्र नहीं देखे उन्हें मैं बताता हूं उनकी नजर में भाव ये होता है कि जहां समुद्र का पानी आ रहा है वहां तक वो जहाज आ सकता है बिल्कुल नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता इसके पीछे का रीजन है क्योंकि पानी का जहाज पानी में बहुत गहराई तक है आपका जो सी बीच है जिस पर आप लोग घूम रहे हैं पानी में छपाक छपाक खेल रहे हैं असल में वो पूरा की पूरा क्षेत्र आप तक को तो डुबा नहीं पा रहा तो उस इतने बड़े जहाज के नीचे वाले हिस्से को कैसे डुबोएगा इसलिए बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो भारत के अधिकांश तटों तक नहीं आ पाते इन्हें तट तक लाने के लिए यानी कि मेनलैंड भूमि तक लाने के लिए पहले उस पूरे की पूरे कोस्ट के ऊपर गहरा गड्ढा बनाया जाता है वो जो गहरा गड्ढा होता है या तो ये कृत्रिम रूप से हो सकता है जैसे भारत में विशाखापट्टनम में है मतलब कि ऑटोमेटिकली वहां गहरा गड्ढा है कि अंदर तक जहाज चला आएगा या फिर वहां से मिट्टी हटा करके उसे गहरा गड्ढा बनाया जाता है ताकि समुद्र से चलता हुआ जहाज वहां तक अपना सामान देने के लिए आ सके बोलो यह बात समझ में आ गई अब क्या होता है कि जहाज में होता है सामान जैसे आप ट्रेन पर रखा हुआ सामान देखते हैं बस पर ट्रक पर रखा हुआ आप जो कंटेनर देखते हैं ऐसा ही कंटेनर यहां भी होता है तो बेटा होता यह है कि एक तो इतना बड़ा समुद्र खोदना खोद करके बड़े बड़े जहाज अंदर तक आ पाए अब उस आए हुए सामान को टर्मिनल पर उतारना यह एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है इसका अर्थ यह होता है कि व्यापारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है किसी टर्मिनल का विकास होना साथियों अगर आप मैप देखें तो श्रीलंका के मैप में कुछ प्रमुख पोर्ट्स आपको यहां दिखाई दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है समझना मतलब यह जियोपॉलिटिकली बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट घटना है आपको समझनी चाहिए साथियों ये जो श्रीलंका का मैप आपको दिखाई दे रहा है इस श्रीलंका के मैप में मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हमटा वो जो हम टोटा नामक स्थान है उसके ऊपर चाइना ने एज इज पोर्ट का निर्माण किया पोर्ट का मतलब अब समझ में आ गया वो गहरा गड्ढा बनाना वहां पर बाकायदा जाकर के टर्मिनल्स पर सामान रुक सके ऐसी व्यवस्था करना ये हमन टोटा में किया और नाइनटी नाइन के लिए श्रीलंका के अंदर चाइना ने इस जगह को लीज पर ले लिया है एक प्रकार से यह समझिए कि श्रीलंका में चाइना का अपना एक निवास स्थान हो गया है वो ये रहा अब क्या हुआ भारत को स्ट्रेटेजिकली बात बड़ी बुरी लगी कि यार ये हमारे ही देश के जस्ट नीचे आकर चाइना बैठ गया है हमें भी कोई जगह चाहिए हमने इस जगह की चाहत में श्रीलंका सरकार से बात करी कि जब भाई एक पोर्ट आपने चाइना को दे दिया है तो हमें भी पोर्ट चाहिए आपको बताइए क्या करवाना है बोले साहब देखो हमने पोर्ट इसलिए दिया कि इस बहाने हमारे पोर्ट का विकास हो जाएगा एक काम करो आप हमारी राजधानी श्री जयवर्धने के नजदीक एक कोलंबो नामक पोर्ट है उस पोर्ट का डेवलपमेंट आप लोग कर दो भारत ने कहा चलिए नेकी और पूछ पूछ तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर पोर्ट का विकास हुआ उनचास परसेंट के शेयर के साथ यानी फोर्टी नाइन परसेंट का जो हिस्सा है वो 51 परसेंट का जो मालिकाना हक है ध्यान से समझना बहुत ही बड़ी स्टोरी है इक्यावन परसेंट का हिस्सा तो चला गया मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका सरकार के पास किसके पास चला गया श्रीलंका सरकार के पास और 49 परसेंट हिस्सा चला गया जापान और जापान और इंडिया के पास बोले आप लोग एक काम करो उनचास परसेंट की हिस्सेदारी इस कोलंबो पोर्ट पर आप हमसे ले लो आप लोग इसको विकसित कर लो बोले ठीक है साहब पोर्ट पोर्ट का विकास होना था। अब है ना बहुत बड़ी जगह होती है मैं आप दिखाऊंगा इस पोर्ट की फील आ जाएगी आपको बहुत ही अल्टीमेट चीज है ये। तो होता क्या है कि साहब दो में मई की घटना है मई में हमें साइन होकर जगह मिल गई जैसे ही ये जगह मिली तो चाइना को यह बात बहुत बुरी लगी चाइना को बात क्यों बुरी लगी साहब चाइना को बुरी इसलिए लगी कि इंडिया तो हमारी ही तर्ज पर काम कर रहा है ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों बात जो जापान के साथ थी यानी कि जापान और भारत मिलकर मेरे खिलाफ रणनीति बना रहे हैं तो चाइना ने क्या किया श्रीलंका के अंदर जो ट्रेड यूनियंस थी उन्हें भड़का दिया किनको भड़का दिया ट्रेड यूनियंस को भड़का दिया अब ट्रेड यूनियंस को भड़का दिया इसका नुकसान क्या हुआ अब मैं आपको वो बताता हूं कोलंबो है ना अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों ट्रेड यूनियंस को भड़काने का नतीजा क्या निकला मैं आपको वो बताता हूं इधर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों ये आपके सामने बहुत ही प्यारी फोटो आएगी इसे जरूर देखिएगा ये देखिए साथियों ये पूरा की पूरा देखिए आपके सामने भव्य इमेज निकल करके आ गई है इसे देखिए आप उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से जूम इन करके दिखाता हूं पूरी जानकारी आपको पता चलेगी देखो इधर ध्यान से ये पूरा के पूरा पहले आप श्रीलंका देखो देखो ये रहा प्यारा भारत प्यारे भारत के साथ में बैठा हुआ श्रीलंका उम्मीद है सभी को दिखाई दे रहा होगा यह हो गया श्रीलंका श्रीलंका के पास में यहां पर कोलंबो है अब आप इसको देखना शुरू करें देखिए साहब मैं आपको दिखाता हूं सर इसको यह देखिए आप यह ईस्टर्न कोस्टर्न टर्मिनल है यहां पर ऐसे बड़े बड़े पानी के जहाज आते हैं और उनसे सामान को उतारा जाता है अब आप कहना क्या चाहते हैं आइए मैं अब आपको वो वाली बात भी दिखा देता हूं साथियों होता क्या है कि ऐसी जगहों पर जब टर्मिनल्स बनते हैं तो इन टर्मिनल्स पर बहुत बड़ी संख्या में इधर देखिए यह आपको जो फोटो दिख रही है इसे मैं दिखाना चाह रहा हूं असल में अब आप इस ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को देखिए भारत ने इसका विकास करने का निर्णय लिया अब मैं आपको एक्चुअली जूम इसलिए करता हुआ दिखा रहा हूं क्योंकि यह पूरा की पूरा समुद्र है इस समुद्र के भीतर पानी वाले इस क्षेत्र को देखिए देखिए यह देखिए यह हो गया अब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या कि भाई समुद्र के अंदर ही एक ऐसा बस स्टैंड टाइप की जगह बना दी गई है मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं यह देखिए आप जब मैं और जूम करता हुआ ले गया तो आप अब आप अच्छे से देख रहे होंगे कि यार ये तो बिल्कुल ऐसी जगह बन गई जहां पर आकर के जहाज रुक सकेंगे अभी भी प्रॉपर आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होगी अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल दिख रहा है अच्छा और चलिए मैं जूम कर देता हूं अब आप इसको अच्छे से देख पाएंगे देखो बेटा ये है पूरे के पूरे यहां पर रखे हुए कंटेनर्स और ऐसी जगह पर मतलब यो समझो आप जाकर के ये लिख रहा है ना ईसीटी टर्मिनल यहां आकर के पानी का जहाज रुकेगा यहां से सामान को उतार लिया जाएगा बड़ी बड़ी मशीनों से और यहां से उतार करके इस हाईवे की मदद से उसे शहरों में पहुंचा दिया जाएगा आ गई बात समझ में इस फोटो को ध्यान से देख लीजिएगा वापस लौटने वाले हैं हम इस जगह पर बात आ गई इतनी समझ में किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए चाइना ने ज़... ट्रेड यूनियंस को भड़का दिया किसके खिलाफ भारत के खिलाफ क्या कहा भारत का इतिहास बहुत लंबा खराब रहा है श्रीलंका के मामले में क्यों भाई क्योंकि श्रीलंका बहुत लंबे समय तक ग्रह युद्ध में जूझता रहा है किनके कारण तमिल लोगों के कारण याद होगा आपको मालूम होना चाहिए कि लिट्टे के कारण तमिल के कारण जो है श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ा विवाद चला था बहुत लंबा ग्रह युद्ध चला था उस ग्रह युद्ध को समाप्त करने में वर्तमान की जो सरकार है

इंडिया का साथ दिया तो पता है तुम्हें नुकसान क्या हो जाएगा इंडिया कहीं ना कहीं यहां पर अपनी पहुंच बड़ी बनाना चाह रहा है इंडिया इंडिया जो है वो मध्य तक एंट्री करना चाह रहा है भड़का दिया सर तेईस ट्रेड यूनियन मेरे प्यारे साथियों खिलाफ हो गई किसके खिलाफ भारत के खिलाफ ट्वेंटी थ्री ट्रेड यूनियन भारत के खिलाफ हो गई और ट्रेड यूनियनों का इतनी खिलाफत हुई कि एक बार के लिए तो जो गोटा भाया राजपक्षे हैं उन्हें यह लगने लगा कि साहब हो सकता है कि मेरी सरकार चली जाए इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोटा भाया राजपक्षे ने यह जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ था भारत श्रीलंका और जापान के बीच में म, म, इन तीनों के बीच का जो एग्रीमेंट था इसे रद्द कर दिया ये कहा कि सॉरी सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहां पर यह काम नहीं होने दे रहे अब आप पूछेंगे कि सर ये तो ठीक ठाक सा लग रहा है ये तो ऑलरेडी लग रहा है कि बना दिया गया है जी हां भारत की भी समस्या यही है कि बेटा तुम तो पूरा बनवा लिए और बनवा करके कह दिए कि साहब नहीं कर पाएंगे ये क्या भाई साहब नेतागिरी मतलब आप पूरा की पूरा सड़क वगैरह बढ़िया बढ़िया मशीनें वगैरह सब लगवा लिए उसके बाद बोल दे रहे हो कि सॉरी सर कर नहीं पाएंगे तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो बड़ा मुद्दा निकल के आया वो इंडिया की नाराजगी का निकल के आया इंडिया ने कहा कि नहीं सहार ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया को अब जियो पोलिटिकली यह बात बहुत बुरी लग रही है अब आप पूछेंगे कि क्या श्रीलंका को भारत से डरने की आवश्यकता है क्या भारत उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है बिल्कुल ले सकता है क्योंकि श्रीलंका की हालत इन दिनों जबरदस्त खराब है अब वो जब हालत खराब है तो उससे निपटने के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया ध्यान से सुनिएगा भारत अगर चाहे तो श्रीलंका को जियो एकदम आइसोलेट कर सकता है हलके में ना लिया इतनी बड़ी गुस्ताखी की आप हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे रहे हो भारत ने साफ इंकार कर दिया बोले साहब एग्री नहीं करते आपको हमसे पूछना चाहिए था कि आपने क्या निर्णय लिया है आप ऐसे कैसे कर देंगे बोले साहब मेरी सरकार चली जाएगी बोले पहले सोचना चाहिए था अब इसके एवज में भारत को दूसरा विकल्प दिया गया है अब सुनिएगा ध्यान से कहा यह गया है कि देखिए सर आप लोग ईस्ट अब देखो यह मैप भी आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा इसको ईस्ट क्यों कहा गया है वो भी मैं आपको बता दूं मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है नीचे की तरफ साउथ होता है राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है वेस्ट होता है क्लियर है तो मेरे प्यारे साथियों ईस्टर्न टर्मिनल तो विकसित करने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ले ली कि हम बना लेंगे सर कितने परसेंटेज भागीदारी थी फोर्टी नाइन परसेंट बोले आगे की बात सुनो ये जो वेस्टर्न टर्मिनल है ना जिसका अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है बोले इसके पीछे तो आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया से स्टोर बना दिए ये वेस्टर्न टर्मिनल है इसका कोई भी विकास नहीं हुआ है हम आपको इसके पिचासी प्रतिशत भागीदारी देना चाहते हैं कितना परसेंट एटी फाइव परसेंट भागीदारी देना चाहते हैं सौदा कैसा रहा दोबारा सुनिएगा चौरासी मतलब यहां पर 49 परसेंट मिल रहा था कोलंबो के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का अब यहां पर कितना परसेंटेज देने की बात हुई 85 परसेंट टर्मिनल देने की बात हो गई कि सर ये पूरा के पूरा आपका हुआ अब आप पूछेंगे सर ऐसे तो ये हमसे फिर बनवा मुकर गए तो तो की खोजी पत्रकारिता तो कोलंबो के अंदर एज इट इज चलती है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो वहां के लोग भी पढ़ते हैं तो भाई ऐसी स्थिति में इन लोगों ने फोन करके पूछा एक बात बताओ आपने इंडिया के साथ इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया बोले हम इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑफर देने जा रहे हैं बोले क्या ऑफर देने जा रहे हो और कल को बेटा तुम लोग इसको बनवा करके भी मुकर गए तो क्या मान लेंगे तुम्हारा भाई क्या पत भरोसा तुम लौट गए कि नहीं सॉरी सर फिर क्या कर लेंगे हम तो बोले रुको सर हम सब तरीका बताते हैं बोले बताइए बोले आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहां पर तेईस ट्रेड यूनियन थी पूरे पूरे तम श्रीलंका के अंदर से तेईस ट्रेड यूनियन थी जिन्होंने से मतलब तेईस ने आपका विरोध किया था हम एक काम कर ट्रेड यूनियन मतलब जो मजदूरों का संगठन होता है व्यापारी संगठन होता है जिन्होंने हमारा विरोध किया था हम उनमें से आपको एनओयू लिखवा के देंगे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी बना के देंगे कि हमें अगर इंडिया यहां पर कोई विकास कार्य करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब बोलिए भाई ट्रेड यूनियन के दबाव में आकर के ही तो हम आपसे ये वापस ले रहे हैं आपको क्या चाहिए भविष्य में कोई दिक्कत ना हो यह चीज हम आपको दे रहे हैं दूसरी बात आपको बड़ी भागीदारी दे रहे हैं बोले बेटा फिर पलट गए तो क्या होगा बोले सर पलटेंगे क्यों आप हमको कारण बताइए तो हमने ये सारा की सारा आंसर ले लिया इंडिया के पास ऑफिशियली अभी कोई आंसर नहीं आया पत्रकारों ने यह खोज लिया है तो यह है प्रस्तावित प्रोजेक्टेड यानी कि भविष्य का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल अच्छा डब्ल्यू कह सकते हैं अब आप ध्यान से सुनिए फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए इसका लाभ भारत को इसका ज्यादा था कि इसका ज्यादा था अब वास्तविकता बताऊं स्ट्रेटेजिकली इस इसका लाभ बहुत ज्यादा है बोले कैसे अभी मैं बताता हूं देखो अभी मैं इसको जूम इन कर रहा हूं आप खुद सोच के बता देंगे ये देखो फोटो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं आपको अभी तक अंदर वाली जगह मिली हुई थी आप चाहते पोर्ट विकसित करना कौन चाहता है यार चाहते तो ये है कि हमारे इस वाले इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र पर हमारा प्रभुत्व कायम हो प्रभुत्व कायम करने के लिए आपको तो एकदम जियो जगह चाहिए जियो जगह चाहिए अब देखो मैं इस तरफ की बात कर रहा हूं यानी कि टूवर्ड समुद्र वाली साइड बात कर रहा हूं फिर से देखो यदि आप देखोगे तो ये समुद्र वाली साइड है ये अंदर वाली साइड है ये समुद्र वाली साइड है बोले हमको तो ये वाली साइड मिल गई तो ज्यादा फायदा है क्यों अब और ज्यादा छोटा कर लो इसको आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो सारी बातें क्लियर हो गई हमको तो अल्टीमेटली ये जो इस तरफ वाला समुद्र है लक्ष्मीप वाली जो जगह है उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है टेक्निकली अंदर से निकल के जहां आप बाहर की तरफ आ रहे हो सोच के देखो अगर यह वाला क्षेत्र चाइना को मिल जाता तो वैसे भी नुकसान ही होता उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी यह था पूरा की पूरा इस बात का एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा दिया है उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरह से यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यह चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं क्लियर एक बार जल्दी से जितने भी साथी लाइव हैं सेशन को शेयर कर दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहां पर दी जा रही है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ यह पूरा की पूरा डायग्राम है मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी नोट्स में यह आपको मिल जाएगा चिंता ना करें चलिए साथियों तो यह सारी जानकारी मैंने आपको दे दी इसके ऊपर CDS के अंदर 2008 में दो हजार में एक सवाल भी पूछा गया था क्योंकि ये पोर्ट वगैरह है ना बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और सीडीएस का एग्जाम अभी है भी याद रखा करिए साथियों आपका श्रीलंका हुआ बांग्लादेश नेपाल इनको इंडिया मान के कंसीडर पढ़ा करो आप इनको विदेश मान के मत पढ़ा करो क्योंकि ये इंडिया ना हो मतलब विदेश ना होकर के इंडिया का ही एक्सटेंडेड पार्ट समझ लो क्योंकि इतना ज्यादा ये समाचारों में इंडिया के रहते हैं ठीक है ना हाँ जी हम टोटा पोर्ट कहां है अब तो यह बताने का सवाल है नहीं 2018 में सीडीएस में ये सवाल पूछा गया था क्लियर चलिए साथियों बढ़े आगे की तरफ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लेकिन इससे पहले हाँ भाई ये कुछ बेसिक जानकारी प्रधानमंत्री कौन है राष्ट्रपति कौन है पढ़ लीजिएगा इसके अलावा यहां पर बनने वाले कुछ चार पांच सवाल जीके के भी हैं यहाँ की करेंसी क्या है मैं बता चुका हूं आठ देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी रुपया मामा श्री ने पाकिस्तान मांगा वो क्या है ना भाई से पाकिस्तान मांगा वो करेंसी याद कर लीजिएगा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है वगैरह वगैरह ये सब हम पढ़ा दिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ये प्रश्न और भी घातक है साहब क्यों कारण यह है कि अमेरिका हर दिन कोई ऐसी चीज निकाल के ले आ रहा है जिससे स्पेस ना हुआ धरती का कोई जैसे हम लोगों के यहां पर डीआरडीओ ने उधम मचा रखा है कि भाई साहब हर तीन दिन में एक हम वो कर लेंगे टेस्ट फायर कर देंगे इवन ऐसा हो गया है कि अब तो न्यूज मीडिया वालों ने भी डीआरडीओ की न्यूज कवर करना बंद कर दिया है बोले यार तो हर तीसरे दिन में कोई ना कोई परीक्षण कर रहे हैं बोले चलने दो इनके परीक्षण इतने ज्यादा परीक्षण कर रहे हैं ऐसे अमेरिका हम तो यहां पर हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं वो बेटा पैसा कमाने बहुत आगे मैं कह रहा हूं ना वो बहुत आगे की तरफ सोच के चलता है आगे की तरफ सोचते सोचते अब यहां पर एक नई चीज निकल के आ रही है ये लोग अंतरिक्ष में पहली बात तो ये कुछ दिन पहले मैंने एम्स वन करके एक मिशन पढ़ाया था यदि याद हो आप लोगों को कि साहब एग्जियो करके कंपनी है जो कि एग्जियो करके यात्रियों को तीन यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले जाएगी याद आया ऐसी मैंने स्पेस एक्स के बारे में बताया था कि स्पेस एक्स जो है वो अपना एक ऐसा सिस्टम बना रहा है कहीं ले जाओ उसका सामान उठा करके प्राइवेट प्रकार का एक रॉकेट बना दे रहा है कि ड्रैगन टू आइए जाइए फाल्कन नाइन ले जाइए जो भी करना है कुछ भी ले जाइए ऐसे ही याद हो तो मैंने आपको बताया था ब्लू ऑरिजिन करके मेरे प्यारे साथियों एक कंपनी का नाम बताया था याद है जैफ बेजोस की ये कंपनियों के नाम याद रखा करिए ऐसे ही वर्जिन नामक एक कंपनी का था जिसने भाई साहब बोइंग विमान से यानी कि यात्री वाहन से उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया अंतरिक्ष में ले जाकर के अपने में से निकाला रॉकेट और वो अंतरिक्ष में चला गया मतलब ये एकदम क्रिएटिविटी के हद पार कर दिए भाई साहब इसी क्रिएटिविटी में एक भाई और निकल के आया और उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों ब्लू शिफ्ट ये ब्लू शिफ्ट एक हाल ही में स्टार्टअप है जैसे अन अकेडमी स्टार्टअप है ऐसे ही फ्लिपकार्ट ये सब स्टार्टअप तो स्टार्टअप मतलब पहले ऐसा बिजनेस नहीं होता था लेकिन इन्होंने इस चीज को एक बिजनेस बना दिया ये भाई साहब निकल के आए इन लोगों ने क्या कर दिया इन्होंने बायोफ्यूल से रॉकेट दाग दिया यार बायोफ्यूल से मतलब आप समझ रहे हैं जिसको हम अपनी गाड़ी में डलवाने से डरते हैं आप में से अधिकांश लोग जहां पर ये लिखा होता है कि पेट्रोल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलता है अभी सिखाऊंगा वो क्या होता है उसको सोचते हैं ना जड़े गंदा होगा ये भाई पावर छोड़ो तुम्हारी गाड़ी छोड़ो यहां रॉकेट निकल के भाग जा रहा है आसमान में ये काम कर दिया ब्लू शिफ्ट ने ब्लू शिफ्ट ने मतलब जब इसने बनाया तो ये कहा कि हमने ऐसा पेट्रोल बनाया है ऐसा फ्यूल बनाया है जिसको आप खा भी लेंगे तो भी बीमार नहीं होंगे मतलब कुछ भी बना के पी लो मतलब गन्ने का जूस है वो उससे उड़ा दिया उन्होंने पूरा की पूरा हवाई जहाज तो आपके मन में भी एक सवाल बना होगा पहली बात तो ये कि साहब ये जैव ईंधन होते क्या है और इन्होंने कारनामा क्या किया है तो मैं आपको बता दू साथियों स्टार डस्ट नाम से एक पहला रॉकेट लॉन्च किया गया याद कर लीजिएगा इसका नाम है स्टार डस्ट वन बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है इनकी भविष्य की प्लानिंग है स्टारडस जनरेशन वन स्टारडस जनरेशन टू स्टारडस जनरेशन इस प्रकार से इनका मेरे प्यारे साथियों भविष्य को लेकर के प्लान है यह जो रॉकेट है इनका काम क्या होगा इनका काम कुछ नहीं है साहब जैसे रॉकेट का काम होता है अंतरिक्ष में जाएगा सैटेलाइट छोड़ के आ जाएगा अभी

आप पूछेंगे सर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने आइए अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताता हूं क्या होता है सबसे पहली और आवश्यक बुनियादी बात जो है वो समझाता हूं मैं आपको इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों हमको सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो है बायोफ्यूल क्या होते हैं और उसके बाद अच्छा बाई द वे अब तक आपको ये तो मालूम हो ही गया होगा हमने चाहे चर्चा कितनों की भी की हो अब लेकिन पांच कंपनियां हमारे आंखों के सामने आ गई जो स्पेस में काम कर रही हैं यूएसए के अंदर कितनी कंपनियां आ गई पांच कौन कौन सी आ गई सबसे पहली ऐलान मस्क की आ गई स्पेस एक्स जब तक मैं वहां पहुंचू तब तक आप मुझे बता दो वर्जिन के मालिक का नाम क्या है जिसने बोइंग से लेकर सैटेलाइट छोड़ दिया था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो यह हो गया स्पेस एक्स दूसरा है मेरे प्यारे साथियों एक कंपनी जिसका नाम है ब्लू ऑरिजिन क्या नाम है ब्लू ऑरिजिन बाय द वे स्पेस एक्स का मालिक कौन है तो स्पेस एक्स का मालिक हुआ आप लोगों के एलान मस्क एलान मस्क जो है वो तो इसका मालिक हुआ ब्लू ऑरिजिन का मालिक कौन हुआ तो भाई ये हो गया जैफ बैजोस कौन मालिक हो गया जैफ बैजोस की प्राइवेट कंपनी है यूएसए की सरकारी कंपनी का नाम क्या है नासा अब उसके अलावा प्राइवेट कंपनियां उधम मचा रही हैं और जिनको लगता हो ना कि ये पेपर में नहीं आता हाँ हो सकता है कि आप जिस तरह के पेपर देते हो उसमें ना आता हो लेकिन एक लेवल के क्वेश्चंस हैं ये जो आते हैं है ना हाँ जी तो ब्लू ऑरिजिन इसके अलावा तीसरी कंपनी कौन सी है वर्जिन जो मोबाइल भी आता है ब्रिटेन का आदमी है लेकिन कंपनी बना दिया ले जाकर के कहां पर अमेरिका में जल्दी से बताइए अब तक नाम भी दे चुके होंगे रिचर्डसन नाम है भैया इनका बिल्कुल सही है ये विजय माल्या के मतलब रोल मॉडल इनका नाम है रिचर्डसन अच्छा अब इनका नाम क्या इसके बाद कौन सी है ये वर्जन हो गए इसके अलावा एक है एक्सियोम एक एक्सियोम नामक हाल ही में कंपनी निकल करके आई है इनके प्रचलित मतलब वो नहीं है सीईओ नहीं है ऐसे ही अभी जो निकल के आई है उसका नाम है ब्लू शिफ्ट ये भी एक स्टार्टअप है मतलब इसके भी सीईओ का नाम याद मत रखिए ये दो कंपनियों के नाम याद कर लीजिए बस कि हां भाई ये दो कंपनियां यूके के यूएस के अंदर और प्राइवेट निकल के आई हैं एक्सोम क्या करने वाला है ये सामेला करने वाला है किन किन से मिलाकर के नासा प्लस स्पेस एक्स स्पेस एक्स इन दोनों से मिलकर के ये मेरे प्यारे साथियों यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने वाला है याद होना चाहिए मैंने पढ़ाया था ब्लू शिफ्ट क्या कर दिया है ये साहब बायोफ्यूल से यह बायोफ्यूल से रॉकेट लॉन्च कर दिया यानी कि रॉकेट छोड़ दिया बायोफ्यूल से चला करके क्लियर है अच्छी बात है अब बड़ा सवाल बनता है सर बायोफ्यूल होता क्या है अब हमको यह बताओ चलो अब हम आपको बताते हैं बायोफ्यूल क्या होता है बायोफ्यूल मेरे प्यारे साथियों बायोफ्यूल जो है वो दो प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है एक होता है पेट्रोल में मिलाया जाने वाला जिसे हम बायो इथेनॉल कहते हैं जिसे हम बायो इथेनॉल कहते हैं और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों जो डीजल में मिलाया जाता है जिसे हम बायोडीजल कहते हैं याद रखिएगा ये दोनों टर्म बायो इथेनॉल केवल पेट्रोल में मिलता है ये याद रखिएगा और बायोडीजल जो कि डीजल का पार्ट है ये रतनजोत जेट्रोपा जिसे आप कहते हैं उस पेड़ से सामान्यतया निकाला जाता है सामान्यतया रासायनिक रूप से यह एक कार्बनिक एस्टर होता है क्या होता है एस्टर होता है और इसका उपयोग डीजल में मिलाने के लिए किया जाता है इतनी बात समझ में आ गई अच्छी बात है इसके अलावा तीसरी बात सुनिएगा अगर हमारे पेट्रोल में अगर हम इन जनरल बात करें आपको फ्यूल के बारे में मैंने अक्सर आप लोगों को एक बात बताई है अच्छा ईंधन वो होता है जो पूरी तरह जल जाए अच्छा ईंधन वो होता है जो पूरी तरह जल जाए अब आप पूछेंगे कि जलने का मतलब क्या होता है पूरी पूरी तरह तरह जल जल जाए अब इस पूरी जल जाने का का मतलब मतलब क्या होता है? जलने का मतलब होता है है जलने मेरे प्यारे साथियों दहन और दहन को अंग्रेजी में कहते हैं कंबशन क्या कहते हैं कंबशन कंबशन क्या होता है कंबशन क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं अगर मैं सी एच फोर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं तो ये सीओ टू प्लस एच टू ओ में बदलता है और इसकी वजह से एनर्जी बाहर निकलती है अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने मीथेन को ये कौन सी चीज है बेटा मीथेन है याद रखिएगा मीथेन को अगर मैंने ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट दिया तो CO2 प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ में बदला बाई द वे कंफ्यूज ना हो इसी को आप लोग मेरे प्यारे साथियों मार्श गैस में करते हैं, जी के रूप में आप इसी गैस को यूज करते हैं दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है बेटा ये ऑक्सीजन से जब ट्रीट हुआ तो CO2 और H2O में बदला और एनर्जी बाहर निकल गई यही कारण है अच्छा ऑक्सीजन से सारे फ्यूल्स को जुड़ना है मेरे प्यारे साथियों सी एच फोर के बारे में बता दिया ऐसे ही हम लोग एलपीजी पढ़ते हैं एल लिक्विड पेट्रोलियम गैस आप लोगों ने खूब अच्छे से याद किया हुआ है प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसे जो गैसेस गैसेस हैं हैं यानी कि से लेकर के इवन तक होती इनको ऑक्सीजन से मिला दो ये भी सीओ टू प्लस एच टू ओ में बदलेंगी और यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी क्लियर है साधारणतया होता क्या है जब हम इससे बड़े बड़े कार्बन पर जाते हैं जैसे पांच से लेकर के सी पांच एच बारह से लेकर के सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी सिक्स तक के जो कार्बन होते हैं इन्हें जब ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट देते हैं बाई द वे ये पेट्रोल होते हैं मेरे प्यारे साथियों इनको जब ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट देते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सर ये वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं ये पूरी तरह जल नहीं पाते जब पूरी तरह जल नहीं पाते तो इनकी वजह से एनर्जी जो है वो निकलती तो है पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलती जल क्यों नहीं पाते सर इनमें कौन से झुंझुने बने हैं ये इसलिए नहीं जल पाते क्योंकि बड़ी बड़ी कार्बन चेन है बड़ी कार्बन चेन है तो इनके पास में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है प्रॉपर तरीके से फिर आप पूछेंगे डीजल में क्या होता है भैया इससे आगे लेकर ले के सी बारह से लेकर सी सत्तर तक पहुंच जाओ वो डीजल है बोले सर उसमें तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी मैंने कहा बिल्कुल होती है ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ऑक्सीजन का ना पहुंचना ऑक्सीजन पहुंच जाए तो ये सारे ईंधन बहुत अच्छे होंगे यही कारण है कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे कम कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होता है उसके पास तो पहुंच जाती है लेकिन जो बड़े लेवल के कार्बन होते हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हर कार्बन तक पहुंच करके उसे सीओ टू में नहीं बदल पाती यही कारण है कि एनर्जी पर्याप्त मात्रा में ये ईंधन नहीं दे पाते यही कारण है कि सरकार सीएनजी को तो प्रमोट करती है जबकि उसमें भी कार्बन लगा है डीजल में भी कार्बन लगा है लेकिन डीजल को प्रमोट नहीं करती क्यों क्योंकि एक बार सीओ बन गया तो वातावरण में तो उसकी परसेंटेज जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट है उससे कौन सा नुकसान होने वाला है उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है ना सी ट्वेल्व सी सत्तर की बात मैंने आपको बता दी अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं इसी बात से निपटने के लिए कि ऑक्सीजन सही से पहुंच जाए यही कारण है मेरे प्यारे साथियों इसी कारण से पेट्रोल के अंदर इसी कारण से पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई दो प्रकार से काम शुरू किया गया हालांकि वो अभी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है गैस को मिला दिया जाए पेट्रोल में तो गैसोलीन का निर्माण होता है और मेरे प्यारे साथियों दूसरा ऑप्शन निकाला गया कि इसमें बायो इथेनॉल मिला दो इथेनॉल क्या होता है C2H5OH होता है ये क्या होता है इसमें मेरे प्यारे साथियों खुद ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के आता है ऑक्सीजन लेके आया है पेट्रोल से मिल जाएगा तो संभव है कि इसकी वजह से कंबशन अर्थात संपूर्ण दहन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा यानी एक ऐसा ईंधन जिसमें खुद से ऑक्सीजन है अगर वो मिल गया बाई दबे मैं आपको बता दूं जो एल्कोहल हम यूज करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है यही कारण है कि आप लोग जब <coughs> कोई परफ्यूम भी यूज करते हैं तो उसमें एल्कोहल होती है और यही कारण है कि आप परफ्यूम के ऊपर एक चीज लिखी देखते हैं कि इसे आग से बचा करके रखें क्यों रखते हैं इस बात को और क्यों कहते हैं कि इसे छाया में रखें क्यों कहते हैं कि आग से बचाएं क्योंकि क् वो आग पकड़ सकता है ठीक है ना तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया को जब पेट्रोल में मेरे प्यारे साथियों पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया जाए तो इस प्रक्रिया को मेरे प्यारे साथियों ब्लेंडिंग कहते हैं क्या कहते हैं ब्लेंडिंग कहते हैं ठीक है ना भारत सरकार के द्वारा बायोफ्यूल नीति लाई गई है जिसमें इस ब्लेंडिंग के परसेंटेज पर सवाल किए गए हैं कि इतना परसेंटेज ब्लेंडिंग कर दी जाएगी साथियों यहां पर जो हाल ही में ब्लू शिफ्ट ने जो हाल ही में रॉकेट छोड़ा है उसमें इस बायोफ्यूल को ही उपयोग में लिया गया है और इसी से रॉकेट छोड़ दिया इससे हुआ क्या इससे लोगों के मन का वो डर समाप्त तो हो गया कौन सा कि बायोफ्यूल्स जो होते हैं इनकी वजह से पावर कम मिलती है जब रॉकेट चल सकता है तो आपकी गाड़ी की तो क्या बिसात मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं सर ये कितनी जनरेशन वाले बायोफ्यूल होते हैं द वे उस कंपनी ने ये नहीं बताया है कि कितना परसेंटेज ब्लेंडिंग करी है वो उसने अभी राज रखा है लेकिन ये बताया है कि बायोफ्यूल से चला दिया है उसने ये भी नहीं बताया है कि बायोफ्यूल बनाया कैसे मैं आपको बता देता हूं बायोफ्यूल बनाने के मेरे प्यारे साथियों तीन जनरेशन होती हैं बायोफ्यूल बनाया कैसे कैसे जा सकता है मैं आपको वो बता देता हूं अगर बायो इथेनॉल को खाद्य पदार्थों से बनाया जाए जैसे कि मक्का हुआ गेहूं हुआ गन्ना हुआ जिन्हें आप लोग कंज्यूम करते हैं तो इसे प्रथम जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं अगर आप लोग ऐसे वृक्ष से ऐस, ऐसी ऐसी स्थिति से अगर आप बायो इथेनॉल बनाए जो कि मतलब गन्ना जब यूज में आ जाता है तो उसके बाद जो राफेज बच जाता है कचरा बच जाता है उससे अगर आप इथेनॉल बनाएं तो वो सेकंड जनरेशन में आता है और अगर आप लोग शैवाल से अगर शैवालों के माध्यम से शैवाल यानी एलगी के माध्यम से इथेनॉल बनाएं तो वो थर्ड जनरेशन में आता है ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन से है उम्मीद है आप सभी साथियों को इस सवाल के साथ दी गई जो जानकारी है वो सारी समझ में आ गई होंगी याद रखिएगा इस ब्लू शिफ्ट में ई e नहीं लगा हुआ है कहीं ये ना समझे कि सर ने ब्लू शिफ्ट तो लिख दिया लेकिन ई e लगाना भूल गए ये है मेरे प्यारे साथियों ब्लू शिफ्ट ये एक स्टार्टअप है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है क्लियर है चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ये सारी जनरेशन वनरेशन मैंने फोटो फाटो देकर आपको बता दी है मेरे प्यारे साथियों यूपीएससी ने दो में इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा था आसानी से सॉल्व हो जाएगा मैंने जो बताया है उन तथ्यों को पढ़ लेना मैंने प्रिलिम्स बेस्ड एक सवाल आपको बायोफ्यूल से संबंधित दे दिया है विद प्रॉपर आंसर क्लियर जो मैंने समझाया है उससे यह सवाल सॉल्व हो जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मतलब बहुत ज्यादा बार बायोफ्यूल पर सवाल पूछे गए हैं ये कुछ वो सवाल है जो हाल ही में चर्चा में रहे तो ब्रेंसन के द्वारा रिचर्ड ब्रेंसन के द्वारा वर्जिन मोबाइल की स्थापना की गई थी इसरो के अंदर अध्यक्ष के सिवन है ये सारी की सारी बातें हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं ठीक है ना ब्रेंसन है वो याद रखिएगा जिसके द्वारा स्थापना की चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हां बाई दबे मैं आपको बता दूं आपको आज की दो क्लासेस याद रख लेनी चाहिए सुबह दस बजे कल हमने आपसे डिस्कशन किया बाद में फिर टीम से डिस्कशन किया एक कंक्लूजन निकल के आया वो मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूं मैपिंग शुरू होने जा रही है मैपिंग बोले तो मैप के थ्रू ज्योग्राफी शुरू होने जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम नोट कर लीजिएगा रोजाना सुबह दस बजे ये कल हमसे डिस्कशन हुआ था तो ग्यारह बजे का डिस्कशन हुआ था लेकिन मैं आपको जो आज डिक्लेयर कर रहा हूं वो है मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट अन की स्पेशल क्लासेस में मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए कब से रोजाना की तरह आज से आप लोगों को सुबह दस बजे तो मिलने वाली है मैपिंग के थ्रू जोग्राफी आज हम वहां पर ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करने वाले हैं हालांकि हमने टारगेट रखा था कि नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करेंगे लेकिन नॉर्थ अमेरिका कल हम मैप से पढ़ा चुके हैं आज ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे ऐसे ही यूरोप एक एक करके हर मैप को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे ही जब ये मैप कॉन्टिनेंट के खत्म हो जाएंगे इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों कॉन्टिनेंट के अलावा फिर इंडिया में स्टेट वाइज आएंगे इंडिया के स्टेट्स को मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे साथ में जब आप वर्ल्ड के अंदर कोई देश को जानना चाहेंगे तो उस देश के भी बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी खोज के आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आप अपने मोबाइल में बस लर्निंग इंस्टॉल कर लेना रेफरल कोड मांगे तब अंकित टेन रेफरल कोड लगा के पहुंच जाना ग्यारह बजे क्या होगा ग्यारह बजे मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के द्वारा बेहतरीन तरीके से पसंद की गई टेस्ट सीरीज वापस आ रही है कौन सी वाली जिसमें हम लोगों ने आपके साथ बैठ करके बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज की थी ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व किए थे सवाल सॉल्व करने की स्किल देखी थी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबको मिक्स करके जो है ना मेरे प्यारे साथियों आपको जो सवाल करवाए थे वो ग्यारह बजे आपको मिलेंगे तो ये दो चीजें आपके लिए एकदम सेपरेट दस बजे जोग्राफी थ्रू मैपिंग चलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट पेड बैच जिसमें नोट्स भी मिलता है जिसमें डिटेल जानकारी भी मिलती है वो आठ फरवरी से आ रहा है ठीक है ना चलिए साथियों तो यहां पर चलते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्था ने हाल ही में भारत के बांधों पर जो रिपोर्ट जारी की है वो कौन सी है अंतरराष्ट्रीय संस्था मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशंस के अधीन एक संस्था आती है कौन सी संस्था आती है भाई यूनाइटेड नेशंस के अधीन इंडिया के अंदर एक ड... रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि इंडिया के डैम बुढ़ा गए हैं यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की मेरे प्यारे साथियों कैनेडा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यू यू यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है ये कनाडा के अंदर है ठीक है ना ये यूनिवर्सिटी असल में ये वो क्षेत्र हैं जो कि रिसर्च करते रहते हैं एनी टाइम इन्होंने इन्होंने कहा है कि हम लोग इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एंड हेल्थ बताया है कि दुनिया को चिंता करने की आवश्यकता है बोले क्या दो तक भारत के जो डैम है ये आधे से ज्यादा डैम बूढ़े हो जाएंगे यानी पचास से ज्यादा डैम बूढ़े हो जाएंगे 2050 तक तो स्थिति यह हो जाएगी कि दुनिया की अधिकांश आबादी डैम के नीचे रहती होगी अर्थात डाउन स्ट्रीम में रहती होगी अगर डैम टूट गए तो दुनिया में यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा डैम के टूटने से जो प्राकृतिक आपदा आएगी वह बहुत ही भयावह होगी ऐसा कहा है किसने कहा है यूएन के द्वारा एक यूनिवर्सिटी जो कैनेडा में बेस्ड है उम्मीद है आप लोगों को यह बात एक चेतावनी के रूप में समझ में आ गई होगी अब आप पूछेंगे चेतावनी तो दे दी सर डैम टूटेंगे क्यों मैंने कि बूढ़े हो जाएंगे बोले क्या डैम भी बूढ़े होते हैं क्या भाई हर चीज की उम्र होती है अपने संसद भवन की भी उम्र था सौ साल पूरे होने वाले थे उसको 1923 में बनना शुरू हुआ था 2023 में संसद भवन के सौ साल पूरे हो जाएंगे पुरानी जो ढांचे होते हैं इनकी मरम्मत की आवश्यकता होती है इन्हें हो सकता है दोबारा से बनाने की आवश्यकता हो जाए सरकार ने वो निर्णय भी लिया है सही या गलत ये भविष्य में देखा जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है आपके सामने मैंने आपको बता दिया एशिया ड्राइव द ड्रैम बिल्डिंग बूम यहां पर बताया गया है कि एशिया में सबसे ज्यादा डैम बने थे कब 2010 से 16 के बीच में भारत में भी बहुत सारे डैम बन चुके हैं मेरे प्यारे साथियों ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि क्या भारत सरकार इसके बारे में थोड़ी भी सजग है आंसर है जी हां बिल्कुल सजग है क्यों सजग है क्योंकि भारत सरकार ने मेरे प्यारे साथियों इसके लिए ऑलरेडी एक नीति बनाई हुई है और वो 2018 में ही भारत सरकार के द्वारा बना दी गई है भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास में जो कुल बड़े डैम है यह संख्या याद कर लीजिएगा सत्तावन सो जीरो हम 2018 में ही प्रॉपर पॉलिसी बना चुके हैं कि इन परिस्थितियों से लोगों को कैसे बचाया जाए इसका नाम ही है डैम सेफ्टी बिल ये आ चुका है इसमें यह निर्धारित किया गया है कि डैम की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाए डैम की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाए क्या क्या प्रावधान होंगे हम ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों भारत में, जो मैंने बताया फाइव सेवन जीरो वन वर्तमान में डैम है चाइना के अंदर अगर डैम की आप बात करो तो यह नंबर देखने के बाद आपको थोड़ी मतलब हैरानी हो सकती है तेईस लार्ज डैम है चाइना के अंदर कितने ट्वेंटी थ्री थाउजेंड अमेरिका में बानवे सौ इकसठ है इंडिया में मेरे प्यारे साथियों जिस समय की ये रिपोर्ट थी उस समय ग्लोबल साइंस के अकॉर्डिंग ये आंसर दिए गए हैं भारत कहता है कि हमारे पास सत्तावन सौ है दुनिया हमारे पास बावन चौवन बड़े डैम मानती है जापान में इकतीस सौ बारह ब्राजील में चौदह सौ पंद्रह दुनिया के ये पांच बड़े देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा डैम है डैम बोले तो बांध है और ये बांध बूढ़े भी हो रहे हैं उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए मैं आपको यहां पर एक प्रश्न करा रहा हूं जल्दी से उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा अगर आपको आंसर आता हो तो जल्दी से दे दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला सवाल डैम से संबंधित जो मैं अक्सर कराता रहता हूं काफी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मेरी बच्ची को भी याद होंगे फैक्ट्स क्या क्या हैं जैसे सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है भारत का लार्जेस्ट बांध कौन सा है लार्जेस्ट बोले तो जिसमें सबसे ज्यादा पानी आ सके वो बांध कौन सा है तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले जाएंगे भाखड़ा नांगल बांध जो है मेरे प्यारे साथियों भारत का सबसे बड़ा डैम है किस नदी के ऊपर स्थित है यह सतलज नदी के ऊपर स्थित है क्लियर अच्छा दूसरी बात अगर आपसे पूछी जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है हाईएस्ट डैम तो मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर आता है टिहरी डैम टिहरी डैम कौन सी नदी पर स्थित है तो मेरे प्यारे साथियों ये भागीरथी नदी पर स्थित है किस पर भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है टिहरी डैम ठीक है अच्छा तीसरा पूछा जाए आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है तो मेरे प्यारे साथियों भारत का सबसे लंबा डैम है लॉन्गेस्ट डैम लॉन्गेस्ट तो लॉन्गेस्ट डैम है भारत के अंदर हीराकुंड कौन सा है हीराकुंड और यह कहां पर है मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में है महानदी के ऊपर कहां पर है महानदी के ऊपर उड़ीसा में है ठीक है इसके अलावा आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डैम कौन सा है यानी कि मैन मेड जैसे टिहरी में तो क्या है कि पर्वतों के बीच में पानी रोक दिया गया लेकिन इंसान ने अगर बनाया हो तो मैन मेड जो सबसे बड़ा डैम है टिहरी में तो क्या हुआ है कि ये पहाड़ों के बीच में जैसे कि भाखड़ा नांगल भी है तो पहाड़ों के बीच में यहां दीवार सारी नहीं बनानी पड़ी तो मेरे प्यारे साथियों वो है नागार्जुन डैम नागार्जुन डैम कौन सा नागार्जुन डैम है तेलंगाना के अंदर है कौन सा है नागार्जुन डैम तेलंगाना के अंदर कृष्णा नदी पर स्थित है कौन सा कृष्णा नदी के ऊपर स्थित डैम है उम्मीद है ये आपको पता चल जाए इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है ओल्डेस्ट डैम कौन सा है भाई ये तो यूनिवर्सिटी चिंता कर रही है पचास साल की लेकिन इनको हम बता दें कि हमारे पास दो हजार साल पुराने डैम भी हैं और उसमें से मेरे प्यारे साथियों नाम है कल्ला नाई यह याद कर लीजिएगा कल्ला नाई नाई बार बार नहीं है यहां पर कल्ला नाई करके डैम है मेरे प्यारे साथियों ये कावेरी नदी के ऊपर है किस पर है कावेरी नदी के ऊपर और इसका निर्माण हुआ था हंड्रेड बी में यानी कि आज से दो हजार साल पहले इसका निर्माण हुआ था ठीक है ना तो ये कुछ डैम है जो भारत के अंदर विशेषताएं रखते हैं आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है डैम से सवाल पूछे जाते हैं आपके सामने एक प्रयास प्रयास है सीडीएस का सवाल पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा मैंने आपके यहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया है आपको आइडिया लग जाएगा कि डैम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है इनसे संबंधित कुछ फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है यूएन के द्वारा यूएन का मुख्यालय कहां पर है इसके सचिव कौन है और कितनी भाषाएं आधिकारिक रूप से बोली जाती हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर कुल कितने देश हैं यह आप पढ़ लीजिएगा मैंने याद दिला दिया है याद कर लीजिएगा सुबह दस बजे आना ना भूलें आज ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे मैप से मजा आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट अन अकेडमी पर तथ्य याद रखिएगा हमने नॉर्थ अमेरिका प्लान किया था लेकिन प्लान को बदल दिया गया है आपके सामने मेरे प्यारे साथियों अमेरिका वो ऑस्ट्रेलिया डिस्कस होगा याद कर लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बहुत बढ़िया तरीके से ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा मैपिंग के थ्रू जोग्राफी आप देखिए कितना आनंद आने वाला है आप लोगों को और ग्यारह बजे का टाइम भी याद रख लेना ग्यारह बजे हम लोग जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं हर सब्जेक्ट के एक लेवल वाले क्वेश्चन ठीक है ना आइए मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नेपच्यून घोषणा खबरों में थी देखिए कई कई बार ऐसा होता है कि आज हम धरती पर आई नहीं रहे धरती पर आ ही नहीं रहे इसका मतलब क्या है या तो पानी की बात कर रहे हैं या आकाश की बात कर रहे हैं जब से शुरू हुआ है पहला सवाल चला गया कोलंबो पोर्ट में पानी की बात हो गई दूसरा सवाल चला गया भाई साहब अगेन इसी प्रकार की घटनाओं के अंदर जब हमने हवाई जहाज की बात कर ली यानी कि स्पेस की बात कर ली नंबर तीन के अंदर हम यूएन की बात कर ली है कि भाई वो पानी की बात कर रहा था आज चौथा दिन भी पानी पानी है तो आज पानी पानी ही है भाई साहब पूरा की पूरा ठीक है ना आज बिल्कुल पानी पानी भाई साहब आइए नेपच्यून घोषणा खबरों में थी क्यों खबरों में थी साथियों है क्या कि भारत के अंदर ना अच्छा मैं आपको बताता हूं पहले कि ये घोषणा का तो बाद में चर्चा करेंगे भारत की जो शिपयार्ड मिनिस्ट्री है है ना मनसुख मांडव मांडविया वाली उन्होंने मेरे प्यारे साथियों एक विजन बना रखा है 2030 तक कि हम लोग मैरी विजन बोलते हैं कि 2030 तक भारत जो है वो समुद्री सुविधाओं के लिए विश्व विख्यात हो जाएगा नंबर वन पहुंच जाएंगे हम ऐसा सपना देख रखा है हमने कि हमारी जो सुविधाएं हैं इंडियन ओशियन क्षेत्र में हम लोगों को लोग जानेंगे हमारे सुविधाओं का सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैरीटाइम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन है उसने कहा है सर सारी बातें सही हैं आप बड़ा बनना चाहते हैं 2030 तक लेकिन उससे पहले काम करो आप बोले क्या नेपच्यून घोषणा का पालन करो अब आप पूछेंगे नेपच्यून घोषणा क्या होती है अब मैं आपको बताता हूं साथियों आप में से बहुत सारे लोगों को यह तो मालूम होगा कि जो जो हवाई मतलब पानी के जहाज पर लोग काम करते हैं वो पानी के जहाज पर लोग काम करते हैं तनख्वाह बढ़िया बढ़िया मिलती है आप में से कई लोग जानते होंगे कि इन इस, इस जो पानी के जहाज पर लोग काम करते हैं ये छह छह महीने के लिए ही काम पर चले जाते हैं छह महीने तक मतलब फिर छुट्टी पे रहते हैं इतने दिन काम करते हैं ये बढ़िया बढ़िया सैलरीज इनको मिलती है याद होगा आप सब जानते होंगे लेकिन साथियों आपको जितना आसान यह काम लग रहा है उतना आसान होता नहीं है क्यों क्योंकि छह महीने तक आप पानी के बीच में एक पीस बाई पचास के मकान में ही रहने वाले हो आप इसको इस तरह से फील करके देखो मतलब कितना ट्रॉमेटिक काम होता है बहुत मेहनत वाला काम है ये लगता है कि बड़ी तनख्वाहें हैं लेकिन छह महीने तक परिवार से दूर रहना अब इसी बारे में विचार करिए छह महीने तक आप परिवार से दूर हैं और आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई आपको आ गई या आपके परिवार को आ गई तो जब तक वो शिप किसी तट पर नहीं जाएगा तब तक आप एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचेंगे और जब तक आप एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका जो मराइन में काम करने वाला ये व्यक्ति है ये आपके स्वदेश नहीं आ पाएगा आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऐसी कहानियां होंगी कि, कि किसी का बेटा कहीं मराइन में काम करता था उसके घर में कोई दुकान तक घटना हो गई वो नहीं आ पाया बहुत सारे लोग आपने ऐसे सुने होंगे इसी को लेकर के नेपच्यून जो है डिक्लेरेशन हो रखा है क्या डिक्लेरेशन है कि जो मराइन सर्विसेज में काम करने वाले लोग हैं समुद्री सेवाएं देने वाले लोग हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए और वो कौन सी सुविधाएं हैं मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों सी फेयर यानी समुद्र में जाने वाले जो लोग हैं जो समुद्र के जो चलाने वाले वाहक हैं या काम करने वाले सेलर से उन सब के लिए मेरे प्यारे साथियों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रू के लिए बनाया गया था नेपच्यून डिक्लेरेशन इन्होंने किया था इन्होंने कहा है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी कर ली जाए जैसे हमारे साथ में अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम भी इस देश के लिए यूजफुल हैं तो भैया कोविड वैक्सीन जो आप लगा रहे हैं वो हमारे वर्कर्स को भी लगाइए क्योंकि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर इन्हें मानिए पहली बात तो यह कहा गया है क्योंकि असल में व्यापार इनके माध्यम से संपन्न हो रहा है आपका तो इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर कंसिडर करिए दूसरा अगर हमारा कोई व्यक्ति कहीं पर गया हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसको पूरी की पूरी हाइजीनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए यह गवर्नमेंट इंश्योर करे तीसरी बात अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाए कि भाई मान लीजिए कि उसको कोई परिवार की इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए एक चार्टर प्लेन भेज करके पानी के जहाज से उसको बुलाया जाए मतलब क्या होता है ना साथियों जैसे ओएनजीसी जैसी जो कंपनियां हैं जो कि बड़ी भारत की महारत्न कंपनियां हैं काम ये भी पानी में ही करती हैं बहुत गहराई पर काम करती हैं पर इनके क्या होता है इनके पास खुद के प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये अपने हेलीकॉप्टर से अपने वैज्ञानिक को डे टू डे लॉन्च मतलब लेके आती हैं और छोड़ के आती हैं कोई भी काम हो तुरंत फोन करिए आ जाएंगे भारत की नेवी का अगर कोई बंदा है तो भारत की नेवी उसे अपने वहां से बुला के ले आती है फटाक से एक हेलीकॉप्टर भेजा लेकिन जो शिप पर काम करने वाला व्यक्ति है जिसके पास हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी उसकी कंपनी के लिए नहीं है लेकिन इन क्रू मेंबर्स का मानना है कि भाई हमारे लिए भी व्यवस्था करिए ना तो एक व्यवस्था अगर आप लोग फंड रेज करेंगे तो कल को कोई इमरजेंसी आई तो हम लोग फटाक से हेलीकॉप्टर में बैठे और घर आ गए ऐसी व्यवस्था हमारे लिए भी करवाइए वो हेलीकॉप्टर नियरेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचा दे ये नेपच्यून घोषणा है तो सवाल बनता है नेपच्यून घोषणा किससे संबंधित है तो जो क्रू मेंबर्स है सेलर्स हैं उनसे संबंधित घोषणा है मेरे प्यारे साथियों क्लियर है चौथी घोषणा की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा बंदा किसी जगह उतरे तो वहां पर प्रॉपर एयर कनेक्टिविटी तो हो मान लीजिए कि और केवल इंडिया नहीं कर सकता ये काम लेकिन दुनिया से मिलकर करो ना ये बात क्यों हम ये बात बोल रहे हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है उसका नाम है मैरी टाइम यूनियन ऑफ इंडिया वो कहती है कि हम लोग मिलियंस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं यह ऑल्डेस्ट यूनियन है जो मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए काम कर रही है उनकी डिमांड थी तो नेपच्यून घोषणा चर्चा में क्यों आई तो केवल इसलिए कि क्रू मेंबर्स जो हैं, जो हैं पानी के जहाजों पर काम कर रहे हैं उनको कैसे सुविधा दी जाए जाए उनके लिए लिए क्या क्या सुविधाओं का विस्तार किया जाए? उसके लिए मेरे प्यारे साथियों चीज ली गई है है ठीक ना तो फिर इससे संबंधित भी एक प्रश्न है जो मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है इसको कर लीजिएगा कि क्या क्या होती है पूरी पूरी यूबी यूपीएससी प्रलिम्स यु� दो का है जो भी बातें मैंने बोली है उससे संबंधित प्रश्न है बन जाएगा आपसे क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला इसके अलावा कुछ बातें जो यहां पर है कि फेडरेशन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन जिसने नेपच्यून घोषणा की थी उसका मुख्यालय कहा है तो लंदन में है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख करमवीर सिंह ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रहने चाहिए एनी anyway, वे हाँ जी फ्री स्पेशल क्लास ग्यारह बजे याद कर लेना इसमें हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबके सवाल मिक्स करके आपको दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है अंकित टेन रेफरल कोड लगाना है इसके लिए मोबाइल में अन लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना कुछ भी नहीं है लिंक मैं आपको इस क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा चलिए साथियों साहब आपको आपको बहुत सारी जगह मालूम होता होगा कोई बात आपको समझ ना आए तो आप उसको गूगल करते हैं है ना गूगल करते हैं गूगल करके भी आपको एक डिक्शनरी खुल के आती है कोई शब्द आपको अंग्रेजी का टाइप टफ लगा कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई हाल ही में मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाया था लोगों को याद हो लोगों ने काफी फिरकी भी ली थी कुछ लोग कहने लगे आत्मनिर्भर पकौड़े वाला आत्मनिर्भर चाय वाला

वर्ष 2020 का हिंदी शब्द टाइटल ठीक है ना आत्मनिर्भर 2019 में जब हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया था तो लोगों ने संविधान शब्द की अंग्रेजी ढूंढी थी संविधान क्योंकि संविधान दिवस हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं लेकिन कई तो अंग्रेज है ना अपने यहां पे उनको संविधान की अंग्रेजी बोलनी है क्या क्या बोले ये तो सेल्फ रिलायंट हो गया कौन सा आत्मनिर्भर ये तो पता चल जाना चाहिए संविधान के लोगों ने इंग्लिश ढूंढी संविधान को क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐसे शब्द जिनकी बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है उन्हें शब्द ऑफ द ईयर कहती है वर्ड ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजती है तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर डिक्शनरी ऑल क्रेडिट टू अपने दौ, मतलब दोनों बार के सवालों के लिए नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने एक बार संविधान शब्द लोगों की जबान पर चढ़ा दिया एक बार आत्मनिर्भर चढ़ा दिया मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा साल भर में ये तो हिंदी भाषा का शब्द हो गया या की है, तो के ही शब्द को ज्यादा शब्द जिसका वो था ये याद कर लीजिएगा ये क्लाइमेट इमरजेंसी इसे याद कर लीजिएगा एडिशनल बात है ठीक है ना उम्मीद है सभी साथियों को यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी हमने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की पहल कब शुरू हुई थी 12 मई 2020 को वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और वर्तमान सीएजी कौन है जीसी मुर्मू है चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल फाइव डबल जीरो टू जीरो टू वन रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर रहा है तो मेरे प्यारे साथियों वो रहा है रिलायंस जियो आपको मालूम होना चाहिए साहब जी की रिल, रिलायंस जियो जो है वो दुनिया में पांचवें नंबर पर पहुंच गया है ये रहा फाइव नंबर पर इससे पहले कोको कोला है इससे पहले एसबेर है ये एक बैंक का नाम है इससे पहले ये जो है आपका फरारी है और इससे पहले वी चैट है चाइना की तो वी चैट दुनिया का नंबर वन ब्रांड बना और पांचवें नंबर के ग्लोबल ब्रांड के अंदर जियो आ चुका है इसके अलावा डेलॉइट एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल कंपनी है लीगो अमेजन डिजनी और ई मेरे प्यारे साथियों ये अन्य ब्रांड बने जो टॉप टेन के अंदर ब्रांड बने हैं जियो जिसको हाल ही में चार साल बने हुए हुए हैं ये ग्लोबल ब्रांड के अंदर स्ट्रोंगेस्ट ब्रांड ब्रांड के अंदर नंबर चार पर आ गया है अगर आप लोग जियो का मोबाइल यूज भी करते हैं तो उसमें भी आजकल एक पोप आ रहा है पोप आ रहा है कि हमें पांचवें नंबर पर मतलब पांचवें नंबर पर रखा गया है बहुत दिन पहले ही यह घोषणा हो चुकी थी मैं कटा रहा था इस न्यूज को लेकिन बच्चों ने कहा आप जियो के खिलाफ हैं क्या तो मैंने कहा नहीं भाई लेके आते हैं कई सवाल हमें इसलिए भी लाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों के रिकमेंडेशन आ जाती हैं आप सवाल ही नहीं ला रहे हैं चार दिन पहले ये जबकि हम चार पांच दिन पहले अपनी सुबह वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है भाई करा देते हैं इस जगह भी करा देते हैं ठीक है तो ये साथियों आपके सामने बात हो गई रिलायंस जियो ने भी अपनी तरफ से ये बात लिखी हुई है एक बार ना आईबीपीएस पीओ के अंदर 2019 में पूछा गया था कि कौन सा बैंक जिसको ब्रांड का मतलब राष्ट्र एक प्रकार से जिसको ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है कि राष्ट्र भक्ति के लिए जाना जाता है दैट इज ठीक है ना तो एक ब्रांड की टैगिंग है जिसके बारे में सवाल पूछा गया रिलायंस कंपनी के संस्थापक कौन धीरूभाई अंबानी रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जियो की स्थापना भाई 2017 में हुई थी ये साथ लिख रखा है आई एम श्योर की ये 2017 में हुई थी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी अब जियो ही बन चुकी है हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है तो मेरे प्यारे साथियों ये दलाई लामा की पुस्तक है जो आपके सामने लिखी हुई है रेणुका सिंह ने इसको मेरे प्यारे साथियों एडिट किया है दलाई लामा जो आपको मालूम है कि भारत के अंदर धर्मशाला में रहते हैं धर्मशाला का मतलब वो नहीं है कि सराय हो धर्मशाला हिमाचल के अंदर एक जगह है मैकलियोडंज में ये रहते हैं इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है तो ये पुस्तक है चर्चा में जो हाल ही में आई है दलाई लामा पर एक बार किताब में एस बी आई क्लर्क दो में सवाल पूछा गया है कि बताइए कि दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है तो तेंजिंग ज्ञातसो नाम है इनका पूरा के पूरा क्या नाम है तेंजिंग ग्ञातसो ये हमने पूरी की पूरी इनकी स्टोरी आपको बताई हुई है ऑलरेडी ठीक है ना चलिए इसके अलावा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को दलाई लामा कहते हैं वर्तमान के दलाई लामा का नाम क्या है लामो है तिब्बत के किस देश के के किस अंदर अंदर चीन स्थित है ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए anyway, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सत्यासी साल में पहली बार किस घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी को रद्द कर दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया है क्यों रद्द कर दिया है क्योंकि इनका कहना है कि रणजी ट्रॉफी के अंदर जो समय जाता है वो लगभग दो महीने का है ये जय शाह दिखाई दे रहे हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी इन्होंने कहा सत्यासी साल में पहली बार हम रणजी ट्रॉफी रद्द कर रहे हैं क्यों क्योंकि उसमें जो फीस मिलती है खिलाड़ियों को वो कम है समय ज्यादा है इसकी एवज में हम और ज्यादा क्रिकेट कर सकते हैं तो हम वो क्रिकेट कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट बंद कर दे रहे हैं हम इसकी जगह पर और ट्रॉफी आयोजित कर देंगे जिससे कि जैसे विनोद मकरन ट्रॉफी है वुमन नेशनल 50 ओवर टूर्नामेंट है अंडर 19 नेशनल वन डे टूर्नामेंट है हम वो आयोजित कर देंगे जिससे कि खिलाड़ियों के पास में अच्छी मैच फीस पहुंच सके रणजी ट्रॉफी में समय ज्यादा जाएगा और बहुत सारे स्टेट्स ने लिख करके ये दिया था कि कोविड 19 के कारण खिलाड़ियों को प्रॉपर समय भी नहीं मिला और इस समय खिलाड़ियों को खेलने के लिए ज्यादा मैचेस की जरूरत है ऐसी स्थिति में कोविड नाइनटीन के कारण जो समय रद्द हुआ उसको आप हटाते हुए दरकिनार करते हुए रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दीजिए और बाकी ट्रॉफी को आयोजित कर दीजिए ताकि खिलाड़ी का मनोबल भी बना रहेगा राज्यों की तरफ से मिली हुई जो रिकमेंडेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह कार्य किया गया है ठीक है बेटा चलिए तो इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों बाकी तो मालूम होना चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बना दिए गए हैं जय शाह आपको याद होना चाहिए बीसीसीआई के सचिव भी जय शाह हैं अमित शाह के सुपुत्र हैं और वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी बीसीसीआई की और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम में किस राज्य ने हर घर पानी घर घर सफाई योजना लॉन्च की है तो मेरे प्यारे साथियों पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने 2022 का टारगेट लिया है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचा देंगे हर घर पानी हर घर सफाई करके इन्होंने पानी पहुंचाने की बात करी है सीडीएस में आया हुआ एक सवाल हमने आपको दिया हुआ है कि ये कुछ मैदानी क्षेत्र हैं दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है नदी के जस्ट निकट वाला जो क्षेत्र होता है तराई कहलाता है जब पानी विलुप्त तो हो जाता है ठीक है ना तो ये कुछ प्रश्न है मैचिंग कॉलम के अंदर राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह इन बदनौर साहब ने अभी मॉर्निंग वाले चार बजे वाली क्लास में हमने पढ़ाया हुआ है मॉर्निंग वाली में कि इन्होंने हाल ही में एक डॉग पार्क का भी उद्घाटन किया है चंडीगढ़ के अंदर है ना तो ये भी अगर बाई चांस आ जाए सुबह जिनको वन डे दे एग्जाम देने है ना रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वो सुबह हमारी चार बजे क्लास होती है इसी चैनल पर पंद्रह मिनट की वो जरूर देखा करिए उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हम आपको उपलब्ध कराते हैं और पंद्रह मिनट में होते हैं वो सारे फैक्ट्स पंद्रह सवाल पंद्रह सवाल के ऊपर ऑन एन एवरेज चार फैक्ट प्रति सवाल पंद्रह मिनट में साठ फैक्ट मिल जाते हैं ये जो न्यूज ये वाला जो शो है ना ये असल में न्यूज एंड एनालिसिस शो है न्यूज के साथ साथ हम उसका एनालिसिस करते हैं कुछ खबरें शुरुआती पांच खबरों को हम बहुत ज्यादा खोल के डिस्कस करते हैं ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से हम यही कन्वेंशन फॉलो करते आ रहे हैं इसका उद्देश्य जो है वो विद्यार्थियों को घटना क्यों घटी ये समझाना है ना कि घटना को सुनाना ठीक है ना शुरुआती पांच सवाल को हम एज ए इश्यू कवर करते हैं यहां पे ठीक है चलिए तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है योजना मैंने आपको बता दी 2022 तक हर घर के अंदर स्वच्छता 100 प्रतिशत पीने योग्य पानी पाइप से आपूर्ति कराई जाएगी ये कार्य इनके द्वारा किया गया है बात की जाए पंजाब के अंदर जो क्या क्या खास बातें हैं वो आपके सामने यहां पर दे दी गई हैं कौन सा एशियाई देश पांच दिन के बजाय चार दिन की कार्य प्रणाली अपनाने की योजना बना रहा है तो वो है नन अदर देन जापान कौन है जापान जापान ने फाइव डे वीक तो आपने सुना होगा कि साहब सैटरडे संडे की छुट्टी कर दी जाए लेकिन अगर चार दिन का ही वीक हो जाए तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा तीन दिन लोग आराम करें और चार दिन जॉब करें इससे जापान का मानना है कि वर्क एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी क्योंकि जापान के लोग अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा ही मेरे प्यारे साथियों मतलब एक प्रकार से वो है क्या कहते हैं उसको मोटिवेटेड हैं उनको ध्यान में रखकर के मेरे प्यारे साथियों ये कार्य किया गया है जापान के द्वारा जापान के अंदर चार आइलैंड हैं होकाइडो होन्शु शिकोकू क्यूशु जापान एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है पैसिफिक ओशन में स्थित है जापान के मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है योशी ही दे सूगा है सिंजो आबे को हमने पद्म विभूषण दिया है ये तथ्य आप लोग याद कर सकते हैं ठीक है बेटा इसके अलावा ये सारी की सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी अन्य जानकारियों में दो किताबें मैं आपको बता रहा हूं वो है श्री अय्यर की एक किताब हु पेंट माई लस्ट रेड ये एक किताब है जो लिखी गई है आपके लिए है ना यह श्री अय्यर के द्वारा लिखी गई किताब है जितेंद्र सिंह के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर के ऊपर एक किताब लिखी गई है ठीक है तो यह था मेरे प्यारे साथियों आपके सामने पूरा विश्लेषण प्रमुख दिनों के अंदर चार बजे विश्व कैंसर दिवस अभी मेरे प्यारे साथियों साढ़े आठ बजे कल हम एक सेशन नहीं कर पाए थे म्यांमार का तख्ता पलट वो आज जो है सेशन साढ़े आठ बजे यूपीएससी पर किया जा रहा है कल कुछ तकनीकी कारण थे कुछ निजी परेशानियां थी जिनके चलते ये काम नहीं कर पाए थे चलते हैं आज सुबह अभी मिलते हैं आप लोगों के साथ में साढ़े आठ बजे रेफरल कोड याद रखिए अंकित टेन जिसकी वजह से फ्री स्पेशल क्लासेस दस और ग्यारह ज्वाइन कर पाएंगे और यूपीएससी में ये वाला सेशन अभी साढ़े आठ बजे आपके लिए होने जा रहा है थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें साथियों आपकी दुआओं का ही असर है बहुत सारे विद्यार्थियों को चिंता थी कि क्या हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वर्तमान में सारी आपकी दुआओं का असर है कि किसी को कोई खरोच भी नहीं आई है ठीक है तो बेफिक्र रहिए मस्त